दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि एमसीडी में लगातार 15 साल बीजेपी का शासन रहा। देश का पहला नगर निगम है जिसे इतना कंगाल बनाया कि अब उसकी परिसंपत्तियों को बेचने की नौबत आ गई है। दिल्ली में जो लोग भी नगर निगम के अंदर काम करना चाहते हैं वे आपका हिस्सा बन रहे हैं। नई दिल्ली से आरके जायसवाल की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 81 किशनगंज वार्ड से जो वर्तमान पार्षद हैं उषा शर्मा जी, वो आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। उनका आम आदमी पार्टी के परिवार में स्वागत है। उषा शर्मा जी के जो पति संजय शर्मा जी भी लगातार वहाँ पर सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उषा शर्मा जी जिस वार्ड से वर्तमान में पार्षद हैं, इससे पहले लगातार 3 बार 2002 से 2007 तक, 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017 तक निरंतर 3 बार सतवीर शर्मा जी वहां से काउंसलर रहे, जो इनके ससुर जी हैं। पिछली बार कांग्रेस से वो विधायक के भी कैंडिडेट थे, जो वहां से हमारे विधायक माननीय सोमदत्त के खिलाफ वहां चुनाव लड़े थे। अभी अस्वस्थ हैं लेकिन उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है। साथ ही साथ इनके कांग्रेस पार्टी के महिला संगठन के, युवा संगठन के और भी बहुत सारे साथी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस बात का एक संदेश पूरे दिल्ली के अंदर मैसेज जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर काम कर सकती है कोई पार्टी, कोई लीडर, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली सरकार ने करके दिखाया है। एमसीडी के अंदर आज जिस तरह से लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा और भ्रष्टाचार का आलम इतना नीचे गिरा, मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर पहला नगर निगम है जहां पर अब ये स्थिति आ गई है। इतना कंगाल बनाया कि अब उसकी परिसंपत्तियों को बेचने की नौबत आ गई है। अभी सुनने में आ रहा है कि जो पुरानी बिल्डिंगें थी, जो पुराने संपत्ति थी नगर निगम की, अब उसको भी बेच खाने का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि भाजपा के लोगों को ये पता चल चुका है कि अब फिर दिल्ली के लोग दोबारा, वो पिछली बार एक झटका दिया इन्होंने कि सारे नगर निगम के प्रत्याशी हमने बदल दिए, अब तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लेकिन इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि आज नगर निगम को बेच करके खाने की नौबत आ गई। ये संदेश आज दिल्ली के लोगों के बीच में गया है। पिछला जो उपचुनाव हुआ उसने भी ये संकेत दिए और इसलिए दिल्ली के अंदर जो लोग भी नगर निगम के अंदर काम करना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। मैं दिल्ली के उन तमाम और भी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस भाजपा को हटा नहीं सकती। भाजपा को हटाने का एक ही रास्ता है कि जो लोग भी दिल्ली के अंदर काम चाहते हैं, साफ सफाई चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, सभी लोग एकजुट हों, आम आदमी पार्टी के साथ मिल करके जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने विधानसभा में काम करने का मौका दिया और आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, नगर निगम के अंदर भी हम बदलाव करें।